का मैंने काटा, पहले साजिदा का गला काटा था मैंने। किस चीज से? कटर से। लड़कों को ब्लैकमेल करने वाली दो शादीशुदा बहनें बेदर्दी से कत्ल। 26/11 को मुकदमा दर्ज होता है और ये इगवा का मुकदमा होता है जी, 365B का। एक बहन ने लड़के को बुलाया, दूसरी ने छुपकर बनाई नाजेबा वीडियो। उसने अपने घर बुलाया मुझे एक दिन, उसने जब मुझे वीडियो दिखाई ना अपने घर, तो मैंने कहा ये किसने बनाई है ये? ये कहती मेरी बहन उस दिन पीछे दरवाजे पे खड़ी थी, तो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बार बार पैसों का तकाजा, दो भाइयों ने दो बहनों को उतारा मौत के घाट। नहीं, अकेला लेके गया। हाँ, दोनों बहनों को। हाँ, आगे इसका भाई इसका इंतजार कर रहा था, बाग के पास दो बेंच पड़े हुए हैं, अभी वो बैठ ही रही हैं, तो इसने दोनों के ऊपर स्प्रे कर दिया वो चेहरे पे और फौरी बेहोश हो गई। वो फौरी कहता है गिर गई है। कातिलों ने सजा से बचने के लिए लगाए शर्मनाक इल्जाम। अजीब वरीब से इल्जाम लगा रहे हैं वो जाहिर है बचने के लिए तो कुछ ना कुछ झूठ मारे गए ना ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। आज हम बात करेंगे दो बहनों के कत्ल के बारे में। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसमें दो बहनों को कत्ल किया गया, इनकी लाशें कत्ल के एक लाश मिलती है 15 दिन बाद, दूसरी लाश 1 महीने बाद मिलती है। कत्ल भी दो बहनें हुई और जो कातिल हैं वो भी दो भाई हैं जिन्होंने कत्ल किया है। दो भाइयों ने किया है दो बहनों को बेदर्दी से कत्ल। क्या दोनों शादीशुदा बहनों ने किया था लड़कों को ब्लैकमेल? कैसे नौजवान लड़के शादीशुदा बहनों के चुंगल में फंसे? कैसे चालाकी से लड़की ने शर्मनाक ताल्लुकात की वीडियो बनाई? कैसे लड़के को नाजेबा वीडियो की बुनियाद पर किया जाता रहा ब्लैकमेल? क्या फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले गरीब लड़के ने ब्लैकमेलिंग पर लड़की को दिए थे लाखों रुपए? कैसे बार बार पैसों के तकाजे पर लड़के हुए गजबनाक? किस तरह ब्लैकमेलर औरतों को वर्गलाया गया और खेला गया मौत का खेल? दर्दनाक कत्ल से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक कैसे दो भाइयों ने सोचे समझे मंसूबे पर किया अमल? ऐसा क्या हुआ था कि लाश वुरसा भी ना पहचान सके? पुलिस की तफ्तीश में आया कौन सा सच सामने? शर्मनाक ताल्लुकात की क्या है सच्चाई? लाजमी देखें ब्लैकमेलिंग की एक मुनफरिद और चौंका देने वाली दास्तान, मुजरिम कौन। लाजिम, दोनों जो मक्तूलीन बहनें हैं उनके मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, एक का नाम कैसर है, एक का नाम मुश्ताक है। जो कैसर है ये मकतूला आबदा का खामद है, और जो मुश्ताक है उसकी जो बीवी है उनका नाम साजिदा है। इन दोनों से बात करते हैं, ये वकुआ कैसे होता है, इन्हें कैसे पता चलता है घर से कब गई, या ये जो मुलजिमान है इन्होंने घर से अगवा किया, क्या मामला हुआ है सारा। सबसे पहले मुश्ताक से बात करते हैं। मुश्ताक, ये 26/11 का वकुआ है, घर से लेके गई है मुलजिमान या किसी काम से घर से निकली थी? घर से कपड़े लेने गए हैं। कपड़े लेने गए? हाँ जी, वाल साहब का, मेरे वाल साहब का चलीसमा था। ठीक है, तो वो कपड़े लेने गए हैं इधर। आपदा आपकी तरफ आई थी? हाँ, इधर ही इकट्ठे थे ना, तो ससुराल भी इधर ही है। घर से कपड़ा लेने के लिए? कपड़ा लेने गए। कितने बजे? ये तकरीबन 4-4:30 बजे। 4-4:30 बजे। कब तक वापस नहीं आई तो तशवीश हुई? तकरीबन मैं 6 बजे काम पे वापस आया हूँ, लेकिन मैंने देखा, आगे पूछा अपनी सास से, मैं कहा अम्मी आए नहीं, कह रहे बाज़ार गए हुए हैं कपड़े लेने, तो वापस नहीं अभी आए। मैं चलो ठीक है अभी आ जाए, मैं बच्चे लेके घर चला गया हूँ, तो घर तकरीबन 8-8:30 बजे हो। उनके पास कोई फ़ोन नहीं था? फ़ोन पर रबता नहीं किया आपने? फ़ोन छोटा था लेकिन नंबर बन जा रहा था। नंबर बन जा रहा था। मैं चलो अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, मैं चलो पहले भी जाते हैं बाज़ार आ जाते हैं वापस। फिर 8-8:30 तक इंतज़ार किया, उसके बाद ढूंढना शुरू किया? मैंने नहीं आया, मैं इधर वापस अपनी अम्मी के घर में पूछा, मैं क्या अभी आए नहीं, कहीं अभी तक नहीं आए। मैं फिर नंबर ट्राई किया उसका, लेकिन नंबर भी उसका नहीं मिला, तो मैं देखने आ गया इधर कान, लेकिन वो कान देखता रहा हूँ काफ़ी देर तक, नहीं मिले मुझे। अच्छा, फिर सारे मिलके ढूंढते रहे अपने? हाँ, ढूंढते हैं, बिल्कुल। जहन गया वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की हमने, सब ढूंढा है, सारा कुछ किया। ठीक है, तो फिर पुलिस से रब्ता कब किया, एप्लीकेशन कब दी? पुलिस से अगले दिन दी हमने, कब? अगले दिन एप्लीकेशन दी, जुम्मे का 27 तारीख को। वरसा ला इल्म थे कि दोनों बहनें कहाँ चली गई हैं, उनका किसके साथ था राबता और कौन उन्हें वरगला रहा था, कुछ खबर ना थी। कोई नहीं जानता था कि दोनों बहनों के खिलाफ मौत का जाल बिछाया जा रहा है। ये क्या मामला है, ये क्या वकूह है? और इसमें एक अनोखी चीज़ सामने आई है कि कत्ल करने से पहले इन दोनों बहनों पर एक ख़ास किस्म का ख़तरनाक केमिकल, उसका स्प्रे किया गया
जिससे उन्हें बेहोश किया गया और उसके बाद तेज़ धार आले से कटर के साथ दोनों को काट के और इनकी लाशें नाले में फेंक दी गई। ये क्या वकूआ है, क्या दुश्मनी थी इन दो बहनों की उन दो भाइयों के साथ जिन्होंने कत्ल किया, ये सारा पूछेंगे। मेहदी काजमी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना कहना में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। काजमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। FIR कब दर्ज होती है, इसमें मुदई कौन है और लाशें कब मिलती हैं और कहाँ से मिलती हैं? ये 26/11 को मुकदमा दर्ज होता है और मुश्ताक मसीह इसका मुदई होता है जो कि साजदा का खामंद है। साजदा का खामंद है, हाँ, एक बहन साजदा है, दूसरी का नाम आबदा है। आबदा बड़ी है, साजदा बड़ी है? साजदा बड़ी है, आबदा छोटी है। आबदा छोटी, हाँ ठीक। आबदा के खामंद का नाम कैसर है, मुकदमा एक ही मुश्ताक की मुदईत में दर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये इगवा का मुकदमा होता है जी, 365B का। नामजद कर दिया था या नहीं? वैसे नामालूम था, नामालूम था, लेकिन मोहल्लेदारों को दूसरे लोगों को सबको शक था कि इसके, चूंकि फैक्ट्री में नईम और साजदा इकट्ठे काम करते थे, नईम और साजदा इकट्ठे काम करते, हाँ, थे, तो उन्होंने कहा कि शायद नईम ने ये वकूआ ना किया हो, ठीक है। तो जब हम नईम को बुलवाया इस मुकदमे में, तो नईम जो है ना उसने इंटरिम बेल ले ली अदालत से, ठीक है, शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। तो 11 दिन बाद वो एक डेड बॉडी में मिलती है, उसकी गर्दन कटी हुई थी। ये लाश पहली किसकी मिली? पहले मिली आपदा की, आपदा की लाश मिल गई, ठीक है। आपदा की लाश बाई चांस हमने ना वैसे ही हमने सोचा, क्योंकि एक साइड पे कसूर का नाक है, दूसरी साइड पे थाने काने का नाक है, तो ये नाकों को क्रॉस करके कोई डेड बॉडी बाहर से नहीं ला सकता, तो यहाँ तो ये हमारी एरिया की है या फिर बरकी वगैरह से है। जो ASP साहब ने ASP बरकी से रब्ता किया कि आपके इलाके में कोई मिसिंग लड़की तो नहीं, फिर हमने अपने इलाके से देखी तो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस पाई गई है इसकी ना हमारे वकूए के साथ, इस मुकदमे के साथ। हमने मुदईयों को बुलाया लेकिन मुदई इनको शनाख्त नहीं कर सके। हालत इस कदर बिगड़ गई थी, हाँ, कि मुदई भी नहीं पहचान सके। उफ खुदाया, इस कदर मशकशुदा लाश के वरसा भी शनाख्त न कर सके। आखिर इन दोनों बहनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा इस कदर भयानक मिली? सफाक मुलजम ने लगाए कौन से शर्मनाक इल्जाम? नाज़िम, मुलज़िम नईम इस वक्त हमारे साथ हैं, इसने और इसके भाई ने मिलके इन दोनों बहनों का कत्ल किया। तो मुलज़िम से बात करते हैं, क्या वजह थी? ये जो बात सामने आ रही है कि इसके तअल्लुकात थे एक बहन के साथ, साजदा के साथ, इसमें कितनी हकीकत है, इसके पास क्या सबूत हैं और कत्ल की वजह क्या है? नईम, इस फैक्ट्री में जहाँ पर काम कर रहे हो जी सर, साजदा कब से काम कर रही है, तुम्हारी साजदा से मुलाकात कैसे हुई, शनासाई कैसे हुई, कितनी देर होगी? मेरी उससे बातचीत होते 3-4 माह हो गए हैं। किसने बात शुरू करवाई? शिजाद लड़का है, उसने बात क्या कहा उसने? उसने कहा ये लड़की तुझे लाइक करती है। तुम्हें पता था ये शादीशुदा भी है? और हाँ जी, मुझे पता था ये शादीशुदा है। अच्छा, जाहिर है कि गलत नहीं है, ऐसे तुमने भी दोस्ती की? हाँ जी। अच्छा, दोस्ती होगी, फिर मुलाकातें कहाँ पे होती थी? मुलाकातें इसने मुझे अपने घर बुलाया, तो पहले हम उसके घर गया, मैंने पानी शानी पिया, उसने अपने बच्चों को अपनी माँ के घर भेज दिया। घर पे और कोई भी नहीं था? और कोई अकेली भी साजदा था? हाँ जी, बाहर सेन में बैठे हुए थे हम लोग, तो इसने कहा वो अंदर कमरे में चलते हैं। अंदर मैं कमरे में चला गया इसके साथ, मेरे मोबाइल पे इसने निकाल ली है, गंदी फिल्में निकाल, हाँ जी गंदी फिल्में निकाल ली, वो देखने लग पड़े। उसमें फिल्म आई एक ऐसी कि वो हाथ बांध के उसके साथ गलत काम करता है, बैड किटों के साथ, तो इसने कहा ऐसे ही करना ये, तो मैंने वैसे उसके दुपट्टे के साथ उसके हाथ बांधे, उन मैंने किया। वो कहीं पीछे उसकी बहन आपदा जो है वो पीछे खड़ी दरवाजे के, उनका दरवाज़ा जब खुलता है बंद होता है ना, वो पीछे बंदा खड़ा और नज़र नहीं आता, तो वो उधर कहीं खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, मुझे नहीं पता था, मेरा मुंह इस रुख था। तुम्हें पता ही नहीं चला जी? तो मेरा वहाँ से निकल भी आए जी, मेरा मुँह इस रुख था, तो जब मैंने कर लिया ना, तब मुझे कहने लगी मेरे शोहर का आने का टाइम हो गया है, तुम चले जाओ, आधा घंटा रह गया, तुम अब चले जाओ। तो मैं वहाँ से निकल आया और उसके बाद उसने मुझे वीडियो दिखाई। क्या ये सच है कि लड़की ने अपने हाथ खुद बंधवा कर आशिक के साथ बनाए थे जिस्मानी ताल्लुकात? कहीं ऐसा तो नहीं मुलजिम ने लड़की के हाथ बांध कर इसे बनाया ज्यादती का निशाना? क्या है सच्चाई? किसने शर्मनाक ताल्लुकात की बनाई थी नाजेबा वीडियो? क्या ये लड़की की चाल थी? लाश मिलती है तकरीबन 15वें दिन, पहली लाश किसकी मिलती है? ये आपदा की मिलती है। आपदा की मिलती है, हाँ जी, साली मेरी की, ठीक है। तो इस दौरान नईम आता रहा थाने, आपका नईम से रब्ता रहा या वो गायब हो गया था?
नहीं, वो गायब हो गया था। वो गायब हो गया था, उसके बाद नहीं आया। हम गए थे उधर, सर गए थे हमारे साथ, जिशान सर गए हैं, वो देखने गए हैं, लेकिन वो नहीं मिला, घर ताले लगा के चला गया था। मुश्ताक, बड़ा अफसोसनाक वाक्य है। दो ज़ाहिर है बेटियाँ थीं, माएँ भी थीं, वो बहनें भी थीं। बिल्कुल, तो बड़ा अफसोसनाक ये वकूआ है, कत्ल कर दिया गया। अब मुलज़िम जो भी कहता है ज़ाहिर है, लेकिन वो कत्ल का जवाब तो नहीं है ना। मुलज़िम अब अजीबोगरीब से इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कहता है जी कि वीडियोस मेरी बनाई गई थी। ज़ाहिर है बचने के लिए तो कुछ ना कुछ तो झूठ मारे गए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इन वीडियोस का मामला नहीं था, अगर उनके ताल्लुकात आपस में नहीं थे, तो फिर क्या वजह हो सकती है, क्यों कत्ल किया गया? सर यही तो मैं, ज़ाहिर फैक्ट्री में इकट्ठे काम करते थे उनको, मुझे तो ये पता होता तो मैं घर भी आता होता तो मैं रोक सकता होता। नहीं, शादी करना चाहता था बस, ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना चाहता, वो नहीं इससे आना चाहते थे, वो कह रहे नहीं हमने नहीं। ये बातें आपको बाद में किसी ने बताई? बाद में ज़ाहिर वो पता था, ये पहले पता थी या नहीं? नहीं, पहले नहीं बात की कि वो ये कहता है। नहीं, मिसिंग ने बताया नहीं, बताया होता तो मैं कुछ ना कुछ करता, मैं कभी बात नहीं की। नहीं, अब जो सीडियाज निकल रही हैं, ज़ाहिर है कि वो उसमें फ़ोन पे रबते भी हैं, बातें भी थी लंबी, तो वो आपकी गैर मौजूदगी में बात होती थी? हाँ जी, घर में किसी को कानों कान खबर ही नहीं हुई इस बात की? नहीं, मैं वही बात, सुबह का चला जाता हूँ, मैं शाम के आता हूँ। 5 महीने मेरे वाले साहब भी बीमार रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा तवज्जो देता रहा हूँ। शोहर नहीं जानता था कि उसकी बीवी कब और किस वक्त किस से थी रबते में। शोहर इस सारे घिनौने मामले से था अनजान। पुलिस की तफ्तीश इस जमन में क्या कहती है? 15 दिन बाद फिर दोबारा दूसरी लाश, डेड बॉडी मिल जाती है। तो फिर शनाख्त कैसे हुई आदमी साहब, पहली लाश की? पहली शनाख्त नहीं हो सकी, लाश हो ही नहीं सकी। नहीं, ठीक है, लेकिन हमें कभी शुबा था कि ये दोनों बहन ही है, लेकिन दूसरी बॉडी नहीं मिल रही थी हमें। ठीक है, 15 दिन बाद दूसरी बॉडी भी मिल गई हमें। जब दूसरी बॉडी मिली है तो उसको मुदई कैसर ने शनाख्त कर लिया, ठीक है, ये उसकी बीवी थी। ठीक है, उसकी निशानी वो वहीं से मिली या कहीं फासले से? थोड़े उससे कुछ 1.5 किलोमीटर दूर। मुलजिमान को उससे पहले गिरफ्तार किया था या उसके बाद लाशें? उससे पहले हमने दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं इनके। एक कहता था कि साजिदा से ये नई मुलजम है, ये मेरे मोबाइल से बातें करता था, इसलिए मेरा मोबाइल डाटा। इस मुलजिम का क्या नाम है? इसका नाम मुमताज़ है। मुमताज़ है, हाँ ठीक है। मुमताज़ और सजाद ये दो मुलजिम हैं जो उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। मुमताज़ ने इनको मशवरा दिया था कि आप, चूँकि वो फार्मासिस्ट था, तो ये मुलजमान भी कहते हैं कि हमें प्लानिंग सारी उसने समझाई थी कि आप इस तरह कर लो। ठीक है, तो फिर ये चूँकि मुलजमान ये कहते हैं कि लड़कियां दोनों में बहनें ब्लैकमेल कर रही थी, उनके पास हमारी को ऐसी तस्वीर थी और मूवी थी जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल हो रहा था। ये नईम, दोनों ब्लैकमेल, नईम मुल्ज़िम, नईम, हाँ। नईम और मुमताज़, इन दोनों का, इन दो बहनों से नाजायज ताल्लुकात थे, हाँ। नईम की और मुमताज़ की जी। नईम, मुमताज़ और साजिदा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों, ये जो नईम और मुमताज़ हैं, इन दोनों ने बहनों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम रखे हुए थे, किए हुए थे, और इन बहनों ने, इन औरतों ने इनकी वीडियोस बनाई हुई थी नईम की, इनके बकौल, मुल्ज़िमों के कहने पर। नहीं, कोई वीडियोस दिखाई हैं उन्होंने आपको? नहीं जी, हमने कोई वीडियोस नहीं दिखाई। नहीं, पुलिस के मुताबिक उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं आई। पुलिस ये भी तस्दीक कर रही है, मुलजिमान के मुताबिक दो शादीशुदा बहनों ने उनके साथ बनाए थे शर्मनाक ताल्लुकात। क्या नजेबा वीडियो बनाने का मकसद लड़कों को ब्लैकमेल करना था? कितनी देर बाद वीडियो दिखाई दोबारा फैक्ट्री में, या उसके बाद दोबारा भी उससे मिले? हाँ, उसने उसके घर पे दोबारा मुलाकातें हुई। उसने अपने घर बुलाया मुझे एक दिन, उसने जब मुझे वीडियो दिखाई ना अपने घर, तो मैंने कहा ये किन्ने बनाई, किसने बनाई है ये? ये कहती मेरी बहन उस दिन पीछे दरवाजे पर खड़ी थी, तो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मजीद मुझसे जब तुमने वीडियो दिखाई तो उसने क्या तकाजा किया, क्या कहा? पैसे मांगे उसने मुझसे, पैसे मांगती थी। हाँ जी, क्या कहती थी? ये वीडियो मैं कहाँ दिखा दूंगी किसी को? पुलिस में रिपोर्ट करेगी, पुलिस में रिपोर्ट कर दूं। जी, पुलिस में रिपोर्ट करेगी। उस वीडियो के मुताबिक तो जाहिर है यूं लग रहा होगा कि तुमने जबरदस्ती उसके साथ ये सब कुछ, वीडियो क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके हाथ बंधे हुए थे। अच्छा, ये पूरी मंसूबाबंदी के साथ उसने? हाँ जी, तो मैं डर गया था। बोले हो, तुम्हें पता ही नहीं चला? मुझे जब उसने कहा ना मेरे शोहर का आने का टाइम, बिल्कुल नकजीत आ गया, टाइम बिल्कुल ओके हो गया, उसने आ जाना तुम चले जाओ, तो मैं भी डर का मारा निकल गया जल्दी जल्दी। नहीं, जब वो तुम उसके हाथ बांध रहे थे और उसकी रिक्वेस्ट पे बांध रहे थे, उसके कहने पे, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि
ये मेरे से क्या करवा रही वो है? मेरे साथ इतना घुल मिल गई थी कि वो मुझे नहीं पता चला। अंदाजा नहीं चला जी, मुझे अंदाजा नहीं। उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बोल तुम्हारे क्या, कितने पैसे उसने लिए? उसने मुझे तीन दफा 50,000 रुपया लिया है। 50,000 रुपये तनख्वाह कितनी तुम्हारी? मेरी तनख्वाह 13,000 है और मैं बिजली का काम करता हूँ साथ में। अच्छा, ये वेनिंग यानी पूरे महीने में जितने कमाते थे उसे दे देते? वो पैसे मेरे पास पड़े हुए थे पहले के पड़े हुए थे जी। तो दो दफ़ा उसने मुझसे ले लिया ऐसे, एक कपड़े वाली दुकान है बाज़ार में, उसको देने थे उसने पैसे, तब लिए उसने। और एक दफ़ा बच्चों की फ़ीस और किताबें कुतुबें उसने कहा मैंने देनी, मुझे पैसे दो। मुलजिम के बकौल शादीशुदा खवातीन लड़कों को अपने जाल में फंसाकर बनाती थी शर्मनाक वीडियो। इसी नाजेबा हरकत की शर्मनाक वीडियो की बुनियाद पर लड़कों को करती थी ब्लैकमेल। क्या यही ब्लैकमेलिंग शादीशुदा खवातीन को पड़ गई महंगी? साजिदा तो वहाँ पे काम करती थी। हाँ जी सर। उसका नईम के साथ वहाँ पे मुलाकात थी या जो भी मामला था, ये एक ताल्लुक था या आपदा का क्या ताल्लुक था? वो जो दूसरा लड़का मुमताज है सर जी, इस चीज़ से मैंने भी नहीं लिया मैं, लेकिन घर इतने मैं क्या मिलने वास्ते आई ही बई दे ना बाल साहब का चलीस में है घरों कपड़े लेने वास्ते गए ने। मैंने जो खबर मिली है कि सर इस तरह गवाह आ गए ने, फिर भाई होर ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदार ने पता किया कराया, लेकिन वो सानू कितने मालूम का पता नहीं लगा। ये जो वीडियो वाली बात सामने आ रही है, इसमें आपको कोई हकीकत लगती? नहीं सर जी, कोई हकीकत नहीं सर। सॉरी सर, आपको हाँ जी बचाने के लिए सर जी इतना कर दिया। हाँ जी, कमज़ोर करने वास्ते बना रही जा रही है बिल्कुल सर। लेकिन जरा सर जी थोड़े सर धोखा किया गया, सानू इस चीज़ का कोई इलम नहीं है। साड़ियाँ वाइफा सर जी साढ़े तो गायब हो गया, साढ़े तो कतल कीतिया गई, बहुत दुख सर जी सानू, साड़ियाँ वाइफ जी बहुत उन्होंने, हाँ जी सारा खानदान सर जी साढ़ा तबाह हो गया। हंसते हंसते दो घर बर्बाद हो गए। दो शादीशुदा खवातीन का कत्ल चौंका देने वाला था। आखिर कैसे सफाक कातिल ने बचाया मौत का जाल? वो ये कहते हैं कि वीडियोस बनाई हुई थी इनकी, एक तो ये समय से बाहर है। हमारे जैसे मुआशरे में मर्द तो समझ आता है कि वीडियोस बनाई होती हैं, और औरतों ने इनकी वीडियोस बना ली। अच्छा, उसके ये बाद नहीं, मुलजम कहता है कि फिर मैंने अपने घर वालों से मशवरा किया, ठीक है कि मैं जितनी तनख्वाह ले गया तो मुझे इनको देनी पड़ जाती है, ब्लैकमेल करती हैं, पैसे मांगती हैं वीडियोस दिखा के। हाँ, तो फिर ये दोनों भाइयों ने और इनके बाप ने बैठ के मशवरा किया, तो फिर ये इनको बाग में ले गया। इनके एक रिलेटिव का बाग है इधर शहजादा रोड के पास। कौन कौन लेके गया? ये लेके अकेला ही गया मोटरसाइकिल? नहीं, अकेला लेके गया। हाँ, दोनों बहनों को। हाँ, आगे इसका भाई इसका इंतजार कर रहा था, ठीक अली रजा, अली रजा उसका भाई है, वो बाग में इंतजार कर रहा था। बाग में इंतजार कर रहा था। जैसे ही नईम दोनों बहनों को लेके बाग में पहुंचता है, अली रजा पहले से मौजूद होता है, तो ये स्प्रे कर देते हैं वही केमिकल इनके चेहरे पे। बाग के पास ना दो बेंच पड़े हुए हैं, ठीक है, ये उनको वहाँ जाके बिठाता है। अभी वो बैठ ही रही हैं तो इसने दोनों के ऊपर स्प्रे कर दिया, वो चेहरे पे और फौरी बेहोश हो गई। वो फौरी कहता है गिर गई हैं, ठीक है। तो फिर दोनों भाइयों ने एक एक बहन को उठाया, उसको बाग में ले गए। वहाँ इनके पास कटर था, ये जो पेपर कटर, पेपर नाइफ नहीं होता, उससे फिर इन्होंने उनको मतलब बेहोशी की हालत में उनका गला काट दिया। जहाँ पे ज़िबा किया, जहाँ पे कटर के साथ गले काटे, वहाँ कोई निशान नहीं? वहाँ से इन्होंने कई की मदद से वो मिट्टी उठाई है। वो मिट्टी भी उठा के ले गए? मिट्टी उठा के ले गए, क्योंकि ये समझदार मुल्ज़िम था, डिस्पेंसरी में काम करता था, इसको पता है कि मतलब ये चीज़ें खून पकड़ा जाता था। पुलिस के मुताबिक सफाक कातिलों ने दो बहनों को किया था बेदर्दी से कत्ल। कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए खून आलूद मिट्टी तक उठा ली गई। मुमताज भी तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारा दोस्त है, उसकी और साजिदा की छोटी बहन आपदा के साथ उसकी दोस्ती वो किसने करवाई थी? वो जब मुझे कहने लगी मेरी बहन लड़की आई हुई है घर, तो वो सारा दिन घर बोर रहती है, किसी की बात करवा लिया करो, तो मैंने कहा फैक्ट्री में करवा दो। तो हम जब छुट्टी होती थी ना, तीनों निकल के थे फैक्ट्री में, उधर फिंगरप्रिंट लगा कर ना तीनों बाहर आते थे, और मैं बाइक लेने के लिए चला जाता था। मुमताज़ सर और साजिदा ये गेट पे जाते थे, गेट के बाहर जाकर हम बाइक पे बैठते हैं ना, तब तक ये दोनों ही उधर पैदल चल के जाते हैं, तो इसलिए ये फिर आपदा से फिर दोस्ती करवा वो भी मिलते थे इसी तरह। हाँ, उनके भी जिस्मानी ताल्लुकात थे। हाँ, वो जब मुमताज़ छुट्टी करते थे ना, जब छुट्टी करते थे, क्योंकि जब दोनों छुट्टी कर लेना हम फैक्ट्री में से, तो स्टोर में होते हैं, फिर काम नहीं चलता था, काम रुक जाता था, ब्रेक लगती, ड्यूटी पे होता था और एक छुट्टी करता था, और इसी नीयत से क्योंकि उनसे मुलाकात करनी होती थी। हाँ जी। अच्छा, और वो कितनी दफ़ा उससे मिला होगा?
काफ़ी छुट्टियां दी पर मिले काफ़ी दफ़ा, ये नहीं मुझे पता काम कितनी दफ़ा किया उसने। नहीं, कहाँ पे मुलाकात होती थी? अक्सर वो अपने क्वार्टर पे ज़्यादातर जाते जाए किसी रेस्टोरेंट में। आप वहाँ पे आ जाती थी क्वार्टर पे? वो इधर से चली जाती थी घर से। अच्छा, तो अब फिर तुमने अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम चाहते थे? जाहिर है कि वो तो चाहती थी, तुम भी चाहते थे जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो। जब मुझे उसने वीडियो दिखाई, मैं फिर उसके बाद मेरा नहीं दिल करता था, मैं डरा हुआ था कि ये मजीद मुझे तंग करने लग पड़ी, अब मैं क्या करूं। अच्छा, तो फिर उसे कत्ल करने का तुमने कब सोचा? ये मंसूबा कैसे बनाया? मुझे डिमांड की, मेरे पास और पैसे नहीं है, ये तुमने सोचा? डिमांड की उसने 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की? हाँ जी, डिमांड की मेरे साथ उसने, तो इसलिए मैं डर गया। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ इतने पैसे? मैंने कहा घर पता चलूँ उन्होंने वैसे मुझे गोली मार देनी। तो मैंने मुमताज साहब से मशवरा किया, मैंने कहा सर जी ये बात है, उन्होंने कहा इन्हें पैसे खुवाना तो इन्हों चंगा इन्होंने मार ही देना, मार ही मुमताज ने ये कहा। हाँ जी, तो मैंने कहा सर जी नहीं मार। मुमताज की तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी, उसे तो ब्लैकमेल नहीं उसकी करते? मैं पिक्चरें आया थी, ब्लैकमेल किया था, पर पिक्चरें आया किया था उसको नहीं इतना किया, क्योंकि वो पिक्चर जब फ्रेंड कैमरे से लेते हैं ना, उसकी वो पिक्चर थी जैसे सही आम जो तस्वीर होती है। लेकिन आपदा ने उससे भी कोई पैसों का तकाजा किया था? ये इस चीज़ का नहीं, तुम्हें इस बात का नहीं पता जी। अच्छा, मुमताज ने कहा जी इसे अब कत्ल कर देते हैं या तुम इसे कत्ल कर दो? हाँ, मुझे कहा उसने। तो मजीद काफ़ी एक माह गुजर गया, ज़्यादा डिमांड करने लग पड़ी। उसका सुसर फोत हुआ था साजदा का, तो उसका ख़त्म था, तो उसने 50,000 की कहती, पहले 6 लाख मांग रही थी, कहती मुझे अर्जेंट 50,000 दो, हमने इंतज़ाम करना है रोटी वगैरह का। तुम ब्लैकमेल भी होते रहे और तुम उसके साथ मुलाकात भी करते रहे? मिलता था पर उस तरीके से नहीं मिलता था कि जब वीडियो बना ली फिर मैंने मिलना बंद कर दिया उसको, उस तरीके वैसे मिलता था मैं उसको। ठीक है, ख़त्म था फिर? तो मैंने अपने भाई से बात शेयर की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है ये बात। अली रजा नाम है उसका भाई, छोटा है तुमसे? बड़ा है? बड़ा है मुझसे। बड़ा है। भाई ने क्या कहा? भाई ने कहा तू मैं पहले क्यों नहीं दसिया, तू इन्हें पैसे खुआ चुके हैं ये वो, हूँ की करना। मैं कहा यार इंजन मैं बंदे ने मशवरा किया, उन्हें मैंने यह राह दिता है, ठीक है। उन्हें कहा देख ला जंज करना जी। अच्छा, भाई ने भी कह दिया कि ठीक है कत्ल कर देते? उन्हें कहा देख, कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा, कोई मशवरा नहीं किया कि क्या तरीका हो सकता है, पुलिस के पास जाएं या उनसे बैठ के बात कर लें, सीधा कत्ल कैसे सोचा? मैं डरा हुआ था उस टाइम, तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, वो भी बहुत तंग कर रही थी मुझे। नहीं, जब भाई को बता दिया तो तब डर तो ख़त्म हो गया ना? तुम्हें सबसे पहले तो डर था अपने घर वालों से कि घर वाले मुझे, उनका रद्दअमल बड़ा सख्त होएगा, वो मुझे मारेंगे कुछ करेंगे। तो जब भाई को एतमाद में ले लिया तो भाई ने समझाया नहीं कि नहीं भाई इंसानी जहान है, मारना नहीं है, कत्ल नहीं करना, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं? वो काफ़ी देर शामिल हो गए, काफ़ी देर सोचता रहा वो भी, तो मैंने कहा ठीक है वो भी तुम्हारी जैसे, हाँ, हेल्प कर गए थे, तुम्हारे मशवरे में शामिल हो गए वो भी। भाई को शादीशुदा खवातीन के हाथों ब्लैकमेल होता देखकर भाई भी खूनी वारदात में हो गया शामिल। क्या खवातीन को कत्ल करने के पीछे असल वजह ब्लैकमेलिंग ही थी? वरसा के मुताबिक मुलजिमान के शर्मनाक वीडियो और शर्मनाक ताल्लुकात वाले बयान में कोई सच्चाई नहीं है। शोहर बीवियों के गैर मर्दों से ताल्लुकात को तस्लीम नहीं करते, ऐसे में सफाक कातिल क्या कहता है? कैसे उसने दो शादीशुदा बहनों को उतारा मौत के घाट? वो 3 बजे बाज़ार आई इधर काना बाज़ार में, ठीक है, मैंने आ गया, मेरे पास 10,000 रुपया था, मैंने वो शॉपिंग कर कर आई, अंदर से 2 कपड़े लिए थे, 2 सूट उसने, तो मैंने 10,000 रुपया दिया उसको, तो मैंने कहा ये लो 10,000 रुपया तुम रख लो। उसे कहती बाकी मेरे साथ जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलने लग पड़ी। मैंने कहा अभी ख़त्म तो आर को है, हफ्ते को पैसे ले लेना, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ अभी। तो कहती ठीक है हफ्ते वाले दिन पैसे दे देना। मैंने कहा ठीक है, तो इधर से मैंने कहा चलाओ चलते हैं बाग में, साथ उसकी बहन थी, मैं ले गया उसको, चलेगी बाइक पे मेरे साथ मेरे बाग में, तो उधर चलेगी, उधर मैंने हम जाके वे बेंच पे बैठने लगी थी, हमने स्प्रे मारी उनके मुंह। स्प्रे की क्या कहानी है, ये स्प्रे कहाँ से निकाला, ये स्प्रे है क्या? स्प्रे मैंने फैक्ट्री से ली थी। किससे लिया था? खुद लेके आया, मेरे पास पड़ी होती थी। क्या है स्प्रे? वो सैनिटाइजर है वो, उसमें डलती है वो। अच्छा, उसमें डलती, कोई केमिकल है वो? केमिकल, खतरनाक केमिकल है, उससे बंदा क्या होता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसका नाम है टाई थैलरामीन ऐसे करके। तुमने वो आराम से निकाल ली, किसी ने तुम्हें पूछा नहीं? नहीं, वो मैंने ना सिरप की बोतल में से डाल के लेके आया। सिरप की बोतल में डाल के ले आए? अच्छा,
और ये इसका मशवरा तुम्हें किसने दिया था कि ये स्प्रे होता है, स्प्रे करने से बेहोश हो जाता है इंसान? वो मैंने खुद ही सोचा था, मैंने कहा इसी ये भी मुमताज ने बताया था? नहीं नहीं ये नहीं, उसने खुद सोचा था ये, मैंने खुद अच्छा स्प्रे किया, दोनों को कर दिया? हाँ दोनों को कर दिया। अगर तुम्हारा मामला साजिदा के साथ था, पैसे वो डिमांड करती थी, वो ब्लैकमेल करती थी तुम्हारे होने लग पड़ी, तो फिर उसकी बहन को साथ में क्यों? वो भी साथ थी उसके ना, जब पैसों की डिमांड करती दोनों मेरे साथ लड़ती थी, अक्सर मुझे अपने घर बुला लेती थी, पैसों की डिमांड करती मेरे साथ, बोलती थी, लड़की थी मेरे साथ, और ये आपदा साथ होती थी? आपदा साथ होती थी ये। इसने सिर्फ वीडियो तुम्हें दिखाई है, तुम्हें सेंड भी की? नहीं दिखाई है मुझे, अपने उनका अपना मोबाइल था एक टच, उसमें मुझे वीडियो दिखाई है। ठीक हो गया, स्प्रे किया उसके बाद वो बेहोश हो जाती? वो बेहोश हो गई, एक को मैंने उठा लिया, एक को मेरे भाई ने उठा कर हम बाग में ले गए, और गला दोनों का मैंने काटा, पहले साजिदा का गला काटा था हमने, किस चीज़ से? कटर से। अच्छा, तो फिर आपदा का गला काटा, फिर हमने उधर से उठाकर साइड में पहली है खाल है छोटा उसमें रख दी हमने, उसमें रख के हमने फिर इंतज़ार किया अंधेरा होने का, और जहाँ पर ब्लड रुड़ा था उधर से हमने मिट्टी उठाकर खाले में फेंक दी पानी में, ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। हाँ जी, तो फिर अंधेरा होने का टाइम देखा, फिर ट्राला लेकर आए। ये 4:30 की बात है, वहाँ पर कोई और नहीं था बाग में? वो एक चाचा होता है, उसको नहीं पता था, उसको ये पता था लड़की है मेरे साथ इधर आई है, ये नहीं पता था हमने मार दी है। कत्ल करना था तो वैसे भी कत्ल कर देना था, ये स्प्रे क्यों किया पहले, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो शोर करती है ऐसे, जब शोर करना था उसने, इसलिए। ठीक हो गया, उसके बाद लाशें उठा के कहाँ फेंकी? लाशें उधर रखी, फिर जब अंधेरा हुआ फिर उधर से हमने लाशें उठाई, काफ़ी बंद करके उठा के ले कर आए हमने, सांस वगैरह लेकर फिर हमने ट्राले में रखी लाशें, ट्राले में रख के फिर हम इधर 5 नंबर सुबह है जो इसमें ला कर फेंकी थी हमने। इसकी रेकी पहले की हुई थी कि कहाँ पे फेंकनी है लाशें, यहाँ पानी बड़ा तेज़ है आजकल, लाशें यहाँ फेंकेंगे ये आगे पानी, वो सुबह का मैंने कहा सुबह में फेंक देंगे, इसका पानी काफ़ी तेज़ है। उसके बाद घर वापस आए? हाँ, उसके बाद ज़ाहिर है मुदई ढूंढते हैं, पुलिस के पास आते हैं, तुमसे रबता करते हैं और तुमने साफ इनकार कर दिया? जी। शातिर मुलजिम के मुताबिक उसने दोनों ब्लैकमेलर बहनों को कत्ल किया था, खून से हाथ रंगने के बाद वरसा के सामने किया था लाइल्मी का इजहार। पुलिस इस जिम्न में क्या कहती है? क्या पता चल सका कि इनके आपस में कब से ताल्लुकात कायम हुए हैं? नईम के किसके साथ थे और मुमताज के? नईम जो है उसके साजिदा के साथ, साजिदा के साथ है, और ये जो मुलजिम है मुमताज ये आपदा के साथ, इसका टेलीफोनिक रब्ता ज़्यादा है आपदा के साथ। तो मुमताज उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था? मुमताज स्लॉटिंग के वक्त मौजूद नहीं, स्लॉटिंग के वक्त मौजूद नहीं था। हाँ। नहीं था, उसने बाकी, सिर्फ मशवरा दिया, बाकी ये तमाम मामला में शामिल है चूंकि वो भी ब्लैकमेल हो रहा था। हाँ। ठीक है, तो घर वाले इनके जो मदई हैं वो को तस्दीक करते हैं कि ये दोनों मुलजमान को घर में आते थे या ये कहीं जाती थी, इनकी मुलाकातें होती थी, जिस तरह एक साल से ताल्लुकात कायम है? नईम की हद तक तो उन्हें कन्फर्म है, चूंकि नईम उसी सेक्शन में इसके साथ आपदा के काम कर, तालुकात का भी कन्फर्म है उन्हें? तालुकात का तो नहीं मैं कह सकता। हाँ। वो तो होता तो फिर ये कोई ना कोई, क्योंकि उनका मौकफ ये है, वो ये कहते हैं कि जी हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, इन दोनों को अगवा किया गया और उसके बाद इन्होंने जाहिर है कि जो मनवाना चाह रहे थे, जो डिमांड करना चाह रहे थे, उन्होंने इनकार किया तो उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया, उनका मौकफ तो ये। देखिए दोनों तरफ का मौकफ सेम तो नहीं हो सकता, दोनों का डिफरेंट ही होगा। ठीक है, अभी तफ्तीश चल रही है, देख लेंगे कि ज़्यादा सपोर्टिंग मतलब मौकफ किसका। कोई सबूत आपको मिल गए CDRs वगैरह कि इनका आपस में रابطہ था, टेलीफोन पे बातचीत होती थी? डेफिनेटली सारे सबूत इकट्ठे हो गए, कोई मैसेजेस, कोई ऐसी कोई चीज़ें। अभी ये मतलब आज उसका रिमांड हो गया तो इंशाल्लाह आला कत्ल भी अभी बरामद हो जाएगा। मुल्जिमान के मोबाइल से सब कुछ मिल गया? मोबाइल का डाटा तो मिल गया, लेकिन अभी जो मोबाइल के अलावा, डाटे के अलावा जो चीज़ें बरामद करनी होती है, जो जिससे 302 के मुकदमे को प्रूव करना होता है, एविडेंसेज होती हैं जिनकी बेसिस पे अदालतों ने सजा जजा देनी होती है, वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, वो भी इकट्ठी कर रहे हैं। पुलिस सबूत और हकायक की तलाश में है। पुलिस के मुताबिक नईम के साजिदा के साथ जबकि मुमताज के आपदा के साथ थे शर्मनाक ताल्लुकात। इस सफाक कातिल ने बेदर्दी से दो बहनों को किया है कत्ल, ऐसे में वरसा क्या मुतालबा कर रहे हैं? क्या आपकी नज़र में इंसाफ क्या है, इंसाफ कैसे होना चाहिए? इंसाफ सर जी इस तरह होना चाहिए कि लेकिन जिमें उन्होंने मारा दिता गया तो इन्होंने भी सर जी इंज फांसी के तख्ते तिकर पहुँचाया जाए। साढ़े ताे गया ही अपील है अफसर अगर व्या अपील है सर जी, तुम अफसर ताे अगर व्या अपील है कि उन्होंने सर जी इस तरह ही उन्होंने तख्ते तिकर पहुँचाया जाए जिस तरह इन्होंने उन्होंने पहुँचाया सर जी। कैसर और मुश्ताक आखिरी बात,
इस तरह के बहुत सारे मामलात में बाद में मुदई पीछे हट जाते हैं। हाँ जी, मामला तय हो जाते हैं। मामला तय तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं नहीं सर जी, असं अपनी जान दे देंगे, अस इस जगह तो नहीं हटना, से उन्होंने फांसी दवा घटना, सानू कोई लालच नहीं, ना सानू किसी पुलिस वाले का डर है, ना सानू किसी होर का डर है, सानू सिर्फ साढ़े खुदा का डर है, तो ना असं किसी जोर जारवाद के आने वाले लोग है सर जी, ना असं सर जी कसम क्योंकि मुलजमान करते हैं। हाँ जी, उनकी कोशिश होती है, सानू बेशक कितने भी खिलार देन, असं नहीं सर जी आ कि भी जोर से कभी असं किसी रिश्वत चीज नहीं आ सकेंगे, ना सानू रिश्वत लैन की जरूरत है, असं भुखे मार जावे सर जी, असं अपन बीवियों का इंसाफ चाहिए सर जी। सानू मुदई इंसाफ चाहते हैं, वरसा को इंसाफ तभी मिलेगा जब सफा कातिलों को सख्त सजा मिलेगी। मुलजिमान में नईम भी गिरफ्तार है, मुमताज भी गिरफ्तार है, अली रजा को भी आपने पकड़ लिया है, और एक अली रजा के, अगर अली रजा के पीछे हम अभी उसको अच्छा, उसे अभी पकड़े हैं, तो बाकी मुलजिमान हमारे पास है। पुलिस अभी एक मुलजम की तलाश में है, तमाम सबूत और हकायक पुलिस के सामने आया हैं। ब्लैकमेल करने की इजाज़त किसी को नहीं है और ना ही कत्ल करने का कोई जवाब काबिले कबूल है। अगर कोई किसी को ब्लैकमेल करे तो पुलिस का इदारा उसको गिरफ्त में लेने के लिए तैयार है। दो शादीशुदा बहनों के कत्ल पर सफाक कातिलों को मिलेगी सख्त सजा, तो ही पूरे होंगे इंसाफ के तकाजे। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।